ये कोई डेटा लिखा हुआ है। इस डेटा को जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये डेटा की हेडलाइन जो है वो छुप जाती है। मैं चाहता हूं कि ये हेडलाइन हमेशा मेरे पास फ्रीज रहे और डेटा जब मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये स्क्रॉल डाउन होता रहे। तो इसको एक्सेल में हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कम्प्यूटर्स में। दोस्तों आज हम बात करते हैं हमारी एक्सेल शॉर्टकट की सीरीज के अंदर कि हम एक्सेल के अंदर हम पैनल्स को कैसे फ्रीज कर सकते हैं, उसके क्या क्या शॉर्टकट कीज होती हैं। तो जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, ये कोई डेटा लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो इसके जो हेडिंग्स हैं एम्प्लॉई नेम तक की जितनी भी हेडिंग है ये सारी फ्रीज रहें, बाकी जो डेटा है नीचे का वो स्क्रॉल डाउन होता रहे इस तरीके से। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम को हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं और फर्स्ट रो को भी हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जिस सेल से पहले का डाटा हमें फ्रीज करना है उस सेल को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट डब्लू एफ एफ, ऑल्ट डब्लू एफ एफ। जैसे आप ऑल्ट डब्लू एफ एफ प्रेस करोगे तो जो भी सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ था उससे ऊपर का जो भी कंटेंट था, जो भी डेटा था, वो सारा फ्रीज हो गया होगा। आप चेक करते हैं, इससे नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए ये डेटा हमारा स्क्रॉल डाउन हो रहा है, बट जो भी हमारी 3 नंबर के जितने भी रोज हैं, जो भी डेटा है वो सारा फ्रीज है इस तरीके से। तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ की मदद से हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। अब इसको अनफ्रीज करने के लिए फिर से दोबारा वही करेंगे, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ की मदद से हम इसको अनफ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि केवल हमारी फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है केवल ये फ्रीज हो जाए। इसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर। जैसे आप ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर प्रेस करोगे तो ये पहली रो हमेशा इसकी फ्रीज रह जाएगी इस तरीके से। देखिए इसको हटाने के लिए फिर से भाई ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ की मदद से हम इसको अनफ्रीज भी कर सकते हैं। तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर की मदद से हम फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं, और जिस सेल से ऊपर की वैल्यू हमें फ्रीज करनी हो तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ की मदद से हम उसको फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा कॉलम ये हमारा फ्रीज हो जाए, पहला जो फर्स्ट कॉलम है ये फ्रीज हो जाए, ऑल्ट डब्ल्यू एफ सी, ऑल्ट डब्ल्यू एफ सी की मदद से आप फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हो। देखिए तो पहला कॉलम हमेशा फ्रीज रहेगा, बाकी सारा डेटा मूव होता रहेगा। इसको हटाने के लिए ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ की मदद से आप इसको हटा भी सकते हो। तो अगर जो हमें रो फ्रीज करनी है, फर्स्ट रो फ्रीज करनी है तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर, फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ सी, और कोई भी डेटा सेल सेलेक्ट करने से ऊपर का डेटा फ्रीज करना होगा तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, और तीनों ही केसेस में अनफ्रीज करने के लिए ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ को हम यूज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।